अभी क्लोजिंग में जैसे बहुत सारे माइक्रो बूस्टर होते हैं, बहुत सारे रैपिड बूस्टर होते हैं, बहुत सारे राइजिंग साइनिंग, तो हम कंपनी का इंतजार करते रहते हैं कि हमारा कोई पोस्टर बना दे, कोई पिक्चर बना दे, इस तरह का हम इंतजार करते रहते हैं। तो इन सारे को इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा, हम कुछ ऐसे पोस्टर वगैरह बनाने सीख जाएं, ऐसे कोई डिजाइन बनाना सीख जाएं जिसे हम खुद ही अपने टीम को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए आज आप सभी के बीच में जबरदस्त तरीके से आपको है पोस्टर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे डिजाइन बना सकते हैं, और हम बिजनेस के ऊपर भी बात करेंगे होली में। अभी आज क्लोजिंग होने के बाद कैसे इसको बिजनेस को प्रमोट करेंगे, कैसे इस क्लोजिंग में धमाकेदार हम तहलका मचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी के बीच में हम ज्ञानेश जी से कैसे आप शानदार यूट्यूब थंबनेल भी बना सकते हैं, ये सारे चीज के बारे में भी बताएंगे। तो वेलकम हमारे बीच में ज्ञानेश जी, सुपर एलेक्स, आप अपने स्क्रीन के साथ में लोगों को एक एक करके बताएं इस सिस्टम के बारे, और आप सभी जहां पे नहीं समझ में आता है स्टेप बाय स्टेप आप लिख उसको रख सकते हैं और बाद में इसको जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, थैंक यू पारस सर एक बार फिर से मौका देने के लिए कि हम आप जो है ना एक बार जो है माइक को अनम्यूट कर लें। ओके, सुपर एलेक्स सभी को और पारस सर को फिर से एक बार धन्यवाद कि फिर से एक बार मौका दिए कि आप लोगों के बीच कुछ शेयर कर सकें। तो जैसा कि सर आज बता रहे हैं कि हम लोग आज कुछ ऐसा चीज़ देखेंगे कि जिसमें हम लोग अपने से कुछ पोस्टर क्रिएट कर सकें, अपने से यूट्यूब थंबनेल डिजाइन कर सकें और एक बहुत सुंदर तरीके से आप उसको देखिए, क्योंकि हम लोग जिस बिजनेस में हैं जितना अच्छे से किसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी हम लोग कुछ पिक्चर अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं या फिर यूट्यूब चैनल का थंबनेल बनाते हैं या फिर फेसबुक में कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं या फिर व्हाट्सएप में ही कुछ इमेज अगर डालना चाहते हैं, कुछ किसी को बधाई दे रहे हैं उसके लिए कुछ अच्छा सा इमेज बनाना चाहते हैं, तो अगर जितना सुंदर सोबर अगर डिजाइन करके देंगे ताकि लोग देखने का भी फील आता है कि हाँ कितना अच्छा मेरा पोस्टर बना दिया है कितना, तो एक अच्छा जो भी लीडर अचीवमेंट किया है तो उसको एक अच्छा फील होता है कि मेरे लिए इतना अच्छे से सम्मान से कोई एक पिक्चर डिजाइन किया गया है। तो इसके लिए आज हम लोग एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको हम थोड़ा सा लाइव आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। एक बार हम लोग इसके बारे में भी सेशन किए थे कैनवा के बारे में, तो हो सकता है बहुत लोग यूज़ करना शुरू कर दिए होंगे या फिर बहुत लोग यूज़ किए होंगे लेकिन दो चार बार यूज़ करने के बाद छोड़ दिए होंगे। कि कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है, यहाँ से आप फ्री में बहुत सारा चीज़ आप पारा सर कोई बोल रहे हैं यूट्यूब में लाइव करें, तो लाइव तो ऑलरेडी यूट्यूब में किया हुआ है, आप लोग पारा सर का चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे कि कैसे आप कैनवा में एक अच्छा फोटो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे एक फोटो हम लोग करके भी देखेंगे, उस यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है वो सब करके देखेंगे। तो एक बार हम स्क्रीन शेयर करते हैं, हम आपको दो तरीके से बताते हैं, एक लैपटॉप स्क्रीन में भी दिखाते हैं और एक मोबाइल वर्जन में भी दिखाते हैं। एक आप डायरेक्टली अगर लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप से भी डायरेक्टली कैनवा ओपन करके आप उसको वहाँ पर भी आप यूट्यूब डिजाइन मतलब वहाँ पर भी आप पिक्चर्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, या फिर एक एंड्रॉयड अगर मोबाइल है आपके पास, एंड्रॉयड या एप्पल कोई भी मोबाइल अगर आपके पास है तो वहाँ से भी आप प्ले स्टोर से आप कैनवा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को कैनवा ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हम आपको एक लिंक शेयर कर देते हैं यहाँ पे, उस लिंक के माध्यम से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। एक मिनट, वो लिंक नहीं, वो तो सर्च करेगा तो आ ही जाएगा। हाँ, सर्च कर, बहुत लोग कभी कैनवा कुछ दूसरा दूसरा ऐप आ जाता है, तो आपको एक लिंक शेयर कर, इस लिंक को क्लिक करके भी आप लोग सीधा कैनवा को साइट को आप मतलब वहां से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया वो लिंक को, आप क्लिक करके वहां से भी आप कैनवा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम शेयर करके दिखाते हैं कि कैसे आप यहाँ पे कैनवा को यूज कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं आज सेंचुरी मार चुके हैं,
तो आप सभी जो है ध्यान से समझें, YouTube भी लाइव है और स्क्रीन आ रहा है सर। यस यस, तो ये जो आप देख रहे हैं देखिए, ये कैनवा का होम पेज है। आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली www.canva.com। एक डब ज्यादा डब्लू ऐड हो गया था। यस canva.com, ये होम स्क्रीन है। अगर इसको फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे, इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन करने के लिए आता है। क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए देखिए यहाँ पे मेरा पिक्चर और इसमें जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया वो ईमेल आईडी दिखता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में अगर इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना पड़ेगा। तो छोटा सा स्टेप होता है, अपना ईमेल आईडी के थ्रू इसमें साइन अप कर सकते हैं। मुश्किल से एक दो तीन चार सेकंड का समय लगेगा, आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। ऐसे तो सभी का मोबाइल में ऑलरेडी जीमेल आईडी रहता है, इसीलिए उस साइन अप। हाँ, वो जीमेल आईडी रहता है, लेकिन जीमेल आईडी के थ्रू इसमें कैनवा में अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, कैनवा एक बार साइन अप करना पड़ता है। तो वो एक ज्यादा ज्यादा एक मिनट का समय लगेगा, आप उसमें कर सकते हैं। एक बार लॉग इन होने के बाद देखिए इस तरह का होम स्क्रीन आता है। यहाँ पे आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं सब कुछ आपके यहाँ सामने दिखता है। जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन, मतलब जैसे हम लोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे 10 स्लाइड या 15-20 स्लाइड का कुछ आपको अलग अलग बनाना है, तो वो प्रेजेंटेशन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे सामने आ रहा पोस्टर बना सकते हैं, कोई छोटा वीडियो बना सकते हैं, कुछ लोगो डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम का पोस्ट, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर कोई फेसबुक के लिए आपने कोई पोस्ट बनाया है और उसी को आप अगर इंस्टाग्राम में डालने की कोशिश करेंगे तो वो सही पर्टिकुलर डायमेंशन में नहीं आ पाता है। जैसे कि देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट का डायमेंशन क्या है, 1080x1080 पिक्सल। ठीक है, ये सबका अलग अलग साइज का होता है। जैसे ये कार्ड डिजाइन कर रहे हैं तो ये कितना 14.8x10.5 सेंटीमीटर का है। उसी तरह से कोई रिज्यूम, बिजनेस कार्ड, इन्विटेशन, जैसे हम लोग कुछ इन्विटेशन, जैसे कुछ कहीं पे मीटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ एक अच्छा सा इन्विटेशन प्रोग्राम डिजाइन करके व्हाट्सअप में सबको या फिर अपने फेसबुक पेज पे डालना है तो वो सब भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट, जैसे कोई माइक्रो बूस्टर की आप उसको एक इस तरह से सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो वो सब बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे क्या है कि और भी बहुत सारा टूल अवेलेबल है इस तरह का काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले से कुछ बना बनाया टेम्पलेट आपको मिल जाता है, उस टेम्पलेट के माध्यम से आप थोड़ा सा एडिट करेंगे उसमें चेंजेस हो जाएगा। तो एक दो हम लोग करके देखेंगे। जैसे कोलाज फोटो बनाना है, कोलाज होता है कि एक ही पिक्चर में, एक ही इमेज में, एक ही पिक्चर में छोटा 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 बहुत सारा पिक्चर आप एक साथ लगा दिए तो उस तरह का भी फोटो यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंस्टाग्राम का स्टोरी है, यहाँ तक कि देखिए जूम, जूम के पीछे जो वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करते हैं, कभी देखा होगा पारा सर कहीं अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते पीछे, तो वो सब भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube का थंबनेल डिजाइन करना है तो जो भी आपको डिजाइन करना है, देखिए अगर आपको यहाँ पे सर्च करने में प्रॉब्लम, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे YouTube का थंबनेल, YouTube से रिलेटेड देखिए चैनल आर्ट बनाना है, YouTube का आइकन डिजाइन करना है, थंबनेल YouTube एड बनाना है, YouTube गेमिंग, तो इस तरह से बहुत सारा चीज आप यहाँ पे बनाने का ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे नीचे देखिए जैसे ये तो टेम्पलेट हो गया और यहाँ पे आपने अगर कुछ पहले से डिजाइन करके बना के रखा है तो वो सब आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरा कुछ डिजाइन बनाया हुआ है, ये सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक होली के ऊपर मैंने एक डिजाइन बनाया था, उसको खोल के देखती है। ये ऐसा चीज आप जितना एक्सप्लोर करेंगे वैसा दिखाई देगा। जैसे देखिए ये होली ऊपर से रंग बरस रहा है, ये सब यहाँ पे ही डिजाइन हो गया। तो जो भी एनिमेटेड होता है, जैसे हम लोग सिंपल इमेज बनाते हैं और इसमें थोड़ा सा एनिमेशन है, तो एनिमेशन जो हो जाता है उसको GIF बोला जाता है, वो सब GIF इमेज हो जाता है। तो इस तरह से भी आप कुछ इमेज वगैरह भी बना सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि इस तरह से कुछ आपको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। और ये सब आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसलिए मोबाइल से भी करके दिखाएंगे आपको कि मोबाइल में, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में कैसे कैसा लुक आएगा, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप में इस तरह का लेआउट आता है लेकिन मोबाइल में थोड़ा सा अलग आता है।
तो वो भी करके देखेंगे कि कैसे मोबाइल में ही कैसे करना है। देखिए यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए तो यहाँ पे पहले से कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिल जाता है, जैसे फेसबुक पोस्ट, जैसे होली के ऊपर कितना सारा टेम्पलेट्स पहले से बनाया हुआ है, इसी को कोई उठाइए, अपना पिक्चर लगा दीजिए, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, आपका आपका खुद का बन के तैयार हो जाएगा। इंस्टाग्राम का स्टोरी बनाना है, इस तरह से वीडियो कुछ क्रिएट करना है, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। फेसबुक का कवर डिजाइन करना है, क्योंकि देखिए आप जो भी फेसबुक पे डालते हैं अगर उसको सुंदर तरीके से डिजाइन करके डालेंगे तो लगेगा कि हाँ कोई प्रोफेशनल है, एक अच्छा अच्छा चीज़ है। मतलब जैसे देखिए कंपनी का वेबसाइट भी, कंपनी का भी कुछ डिजाइन करता है, देखिए कितना सुंदर लगता है। जैसे कल सर अभी बता रहे थे कि कल 8 बजे फेसबुक पे फेसबुक लाइव है संदीप सर का, तो उसका जो पोस्टर देखिए कितना सुंदर पोस्टर डिजाइन किया हुआ है। तो उसी तरह से अगर हम लोग भी कुछ ऐसा लाइव जा रहे हैं, अगर उस तरह का सुंदर पोस्टर डिजाइन करेंगे तो एक प्रोफेशनल लुक लगेगा, कहीं पर भी हम उसको शेयर करेंगे तो लगेगा हाँ कुछ अच्छा मीटिंग होने वाला होगा। अगर जैसे तैसे पिक्चर डिजाइन करके आप नेट पर डाल देंगे तो लगेगा कि होगा कोई इसी तरह से। तो जल्द देर ना करते हुए हम लोग एक डिजाइन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या टूल अवेलेबल है, एक बार यहाँ पे देखते हैं। अभी हम फिर से आपको मोबाइल के थ्रू करने को बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए हाँ, मोबाइल मोबाइल के थ्रू लोगों को दिखाइए ताकि लोग जो है में। इसको ठीक है आराम सर, से मोबाइल में सभी लोग चलते फिरते बना ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप नहीं है, मतलब हाँ इसीलिए मोबाइल से ही बताने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल से आप कैसे करिएगा। 10% लोगों के पास ही लैपटॉप होगा। हाँ ये मेरा स्क्रीन आ रहा होगा, यस देखिए सर मेरे मोबाइल में जैसे ये कैनवा ऐप पहले से इंस्टॉल है, ये मैंने कैनवा को ओपन किया, ये कैनवा का होम स्क्रीन है। इस तरह से देखिए नीचे आ गया सर, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे होम डिजाइन मेन्यू, तीन चीज ऑप्शन है। ठीक है, होम में आपको ये सब जो मैंने वहाँ पे दिखा रहा था कि इस तरह से बहुत सारा टेम्पलेट आपको दिख जाता है, इसमें जो भी आप टेम्पलेट चूज कीजिए उसके अकॉर्डिंग अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे जितना भी फ्री लिखा हुआ है ना, ये सब फ्री है, जिसके अंदर फ्री नहीं लिखा हुआ है इसका वो चार्ज लगेगा, उसके लिए आपको अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा कैनवा का। तो इसमें फ्री टूल इतना अवेलेबल है कि आप अच्छा अच्छा डिजाइन यहाँ पे फ्री वाले से ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन्स नीचे में देखिएगा, एक डिजाइन ऑप्शन है। तो डिजाइन में क्या होता है कि आपने जो अभी तक अपने डिजाइन बना के रखा है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जैसे हम अपना यूट्यूब में जो भी थंबनेल वगैरह डालते हैं सब हम इसी से डिजाइन करते हैं, कुछ भी पोस्टर वगैरह बनाना है तो इसी से करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी डिजाइन करेंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और ये मेनू में आपका जो अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है वो सब रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे होम में आते हैं और यहाँ पे हम लोग सपोज मान लीजिए फेसबुक के लिए आपको कोई पोस्ट क्रिएट करना है, तो या तो ऑप्शन है कि फेसबुक के लिए आपको पता होना चाहिए कितना डायमेंशन का, कितना ब्रेथ और कितना हाइट होना चाहिए, लंबा कितना होना चाहिए, या फिर नहीं तो आप यहाँ से फेसबुक का जो पेस्ट का टेम्पलेट है वो सब आप उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी कुछ क्योंकि और सबसे ज्यादा जो है ना अचीवर लोग को जो है हाईलाइट करना होता है, चाहे कोई बना हाँ के भेजना होता है, तो सबसे ज्यादा फेसबुक में ही लोग उसको यूज करता है। हाँ तो फेसबुक के लिए ही जैसे यहाँ पे यूज करते हैं फेसबुक पोस्ट के लिए, देखिए यहाँ पे इतना सारा टेम्पलेट बना हुआ है। जैसे अभी होली का है तो होली का बहुत सारा है, सी ऑल करते हैं तो यहाँ पे जितना, इस तरह से तो हम लोग इस तरह से कुछ टेम्पलेट चूज करते हैं जिसमें कुछ अचीवमेंट वाला हो। या फिर यहाँ पे भी सर्च करके लिख सकते हैं, अगर कुछ ऐसा हम लोग को सर्च करना है, सर्टिफिकेट टाइप का कुछ चीज सर्च करना है तो। नहीं, फेसबुक पोस्ट डालिए ना, अपने आ जाएगा फेसबुक पोस्ट। हाँ देखिए, उससे रिलेटेड ये सब है। इसमें अगर आप कुछ और डिजाइन करना चाहते हैं, कोई एक ले लेते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट लगा देने से क्या होता है कि आप इजीली कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे सारा चीज आपको खुद से करना पड़ता है। ठीक है, हमको दोनों तरीके से बताते हैं कि अगर आप ब्लैंक में कैसे डिजाइन करते हैं और कोई टेम्पलेट उठा के डिजाइन करते हैं तो कैसे करेंगे। कौन सा ले, ये अभी ज्यादा वो नीचे वाला लेते अचीवर हैं, वाला दीजिए। हाँ जैसे ये लेते हैं। ठीक है, इसमें पिक्चर भी लगाने का ऑप्शन है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर ये टेम्पलेट पहले से बना बना है, लेकिन ये कैनवा लिखा हुआ है ना, ये फ्री वाला है क्या? जो भी चलेगा देखते हैं। अचीवर डिजाइन एक था ना, और वो साइड में हाँ इसी में बना लेते हैं ना सर। देखिए जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर में हमको किसी का फोटो लगाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से फोटो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, जैसे पिक्चर को चूज किए, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए रिप्लेस फिल्टर आता है, कॉर्प फ्लिप पोजीशन, ये सब कुछ ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जैसे ये रिप्लेस बोल रहा है, तो रिप्लेस मतलब इसके जगह पे कुछ इमेज लगाना चाहते हैं, तो ये सब इमेज देखिए इसमें से जो पहले से अपलोड किया गया है वो सब इमेज है। अदरवाइज यहाँ पे आप गैलरी से ब्राउज करके, जैसे आपका फोन का गैलरी में किसी का फोटो रखा हुआ है, तो वहाँ से भी फोटो ब्राउज करके भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम दिखा रहे थे कि बता रहे थे, जैसे अभी जो संदीप यादव सर रात में 8 बजे लाइव है, कितना सुंदर पोस्टर डिजाइन किया गया है, तो इस तरह से हम लोग भी जैसे एलेक्स का लोगो लगा के, स्वस्थ भारत, ये सब भी आप करके लगा सकते हैं। तो इसमें से हम कोई फोटो ले लेते हैं जो ऑलरेडी मेरे पास अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा जो कैनवा का अपना कुछ फोटो होता है वो सब भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फोटो है पारस सर का, फोटो ले लेते हैं, ये बीच में फोटो आ गया। यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आप पोस्टर सपोज क्रिएट कर रहे हैं माइक्रो बूस्टर अचीवर के लिए, तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए। माइक्रो बूस्टर अचीवर, ठीक है। अब ये फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे ऑप्शन है, इस फॉन्ट को अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इसका कलर भी लगा सकते हैं। कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है। आपको ये जैसे ये, इसके अलावा आपको ये फॉन्ट, इसका फॉन्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है, देखिए बहुत सारा फॉन्ट है जिसमें ये किंग का जो ये साइन बना हुआ है, ये सब फॉन्ट आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड वाला है। उसके अलावा बहुत सारा जो फॉन्ट है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फॉन्ट लगा दिया, इस तरह से कोई भी फॉन्ट आप यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, यार चलिए कुछ बोल्ड कर दीजिए उसको। ये लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सब देखिए, जो पीछे ब्राउन कलर का बैकग्राउंड है, इस ब्राउन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, व्हाइट दे सकते हैं, जो भी है कलर आप यहाँ पे है ये सब लगा सकते हैं। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको आप रख सकते हैं। इसके पीछे जो ये बैकग्राउंड है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ इमेज लगाना चाहते हैं, मान लीजिए एलेक्स का कुछ इमेज लगाना चाहते हैं आप, ये वाला दे दीजिए। ये बहुत बड़ा हो गया, कुछ दूसरा इमेज एलेक्स का। ये नीचे स्वस्थ हाथ उठा के बिलीव बोर्न टू सक्सीड। मिनट, ये वाला, इसको छोटा करना पड़ेगा, या फिर चलिए इसकी जगह पे हम कुछ दूसरा इमेज लगाते हैं। जैसे अब ये यहाँ ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो है आप इसमें, जिसे बहुत सारे लोग जो है, हमको कई लोग बोलते हैं कि सर बना दीजिए, तो आपको जिसे ये अभी ऑनलाइन हो रहा है, आपको पिक्सल लैब से भी बताएंगे जो ऑफलाइन से भी होता है। पहले आज इसको सीखिए कैसे ये बनाया जाता है डिजाइन, ताकि आप लोग जो है एक लीडर बने, मतलब किसी के मतलब भरोसे में काम ना करे। हर लीडर अपने भरोसे में अपनी टीम को उसको डिजाइन करके उनको एक शानदार, उनको खुशी महसूस हो। आपने अभी महीना काफी अच्छा लेवल आने वाला है, तो कुछ भी डिजाइन करके जब उसके लिए आप पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं,
तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप अपने टीम के लिए सब चीज करें। तो आप सभी जो है अभी देख रहे हैं, ये एक शानदार आपको जो है सिस्टम जो बताया जा रहा है और ये सेफ भी रहता है। बाद में इसी पे जाके जो है ना, जो अभी जैसे जो डिजाइन करते हैं वो वहीं पे सेफ भी रहता है, बाद में उसी डिजाइन को कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली चेंज कर सकते हैं अलग अलग, तो हर व्यक्ति के अलग अलग डिजाइन भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो है आपका जो पोस्ट है, जैसे ये सब जो डाल रहे हैं वो आपके मोबाइल में गैलरी में सेव रहता है, उसे उठा उठा के डाल दीजिए। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, एक आराम से आपका फोटो डिजाइन हो जाए। ज्ञानी जी आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। आपका ऑफ है ज्ञानेश जी माइक। ज्ञानेश जी आपका, हाँ आ गए, ठीक है ओके। ज्ञानेश जी अपना माइक, हाँ ठीक, हाँ सर आ रहा है ना अभी आवाज आ रहा है। यस यस स्क्रीन भी आ रहा ना। यस ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बता रहे थे कि आप यहाँ पे कोई फ्रेम का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपका ये एक लगा दिया स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो अब ये भी सवाल है, जैसे ये मैंने ये स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का कैसे बनाया, ठीक है, ये जो कंपनी यूज करती है स्वस्थ भारत, इसको भी आप कंपनी का साइट से ही निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो पिक्चर आया था, जैसे ये मेरे पास ये पिक्चर आया था, ठीक है, इसको यहाँ से ही आप सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो भी एक छोटा सा है, इसको मैं जल्दी से करके दिखाते हैं कि जैसे आपको ये स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का ये लोगो आपको निकालना है, ठीक है, इसको आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या कीजिए, इस पिक्चर को आप थोड़ा सा क्रॉप करके उस पोर्शन को निकाल लीजिए, उस पोर्शन को क्रॉप करके आप निकालिए, सिर्फ जैसे हम ये स्वस्थ भारत समृद्ध भारत को ये क्रॉप करते हैं, ये सब बहुत इजी है, दो चार बार करेंगे ना तो हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है ये, करने का प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। जैसे ये सेव, इसका मैंने एक कॉपी सेव कर लिया, ठीक है, अब ये मेरे पास सेव हो गया। अब यहाँ पे एक और टूल आता है, एक और ऐप है, बहुत सुंदर ऐप है जिसके बारे में पहले भी बताए हैं, उसका नाम है remove.bg। ये remove.bg बहुत आसानी से आप उसका बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, जो अभी क्रॉप किए थे उसी इमेज को अपलोड कर लीजिए, जैसे ये। अब देखिए कितना आसानी से बस उसको डाले और ये इसका बैकग्राउंड हटा दिया, ये बैकग्राउंड हट गया आपका, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक हो जाता है वहां पे डाल लेंगे ना, ज्यादा मेहनत करने की, थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसे देखिए भारत में थोड़ा सा ये अभी नीचे रह गया है, तो उसको चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें एडिट करके कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से क्रॉप होके देखिए कितना सुंदर से पीछे ये बैकग्राउंड भी हट गया। अब इसी पिक्चर को आप चाहे तो आप वहां पे कैनवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवा ऐप खोलिए, अब इसी पिक्चर को आपको ऐड करना है। तो जहां से यहाँ पे देखिए फोटोज, फोटो हम कहाँ पे, गैलरी से, अभी हमने गैलरी में जैसे इस पिक्चर को पहले से जो ये थे इसको डिलीट करते हैं, जो अभी हम लोग ने अपलोड किया है उस पिक्चर को यहाँ पे लगाते हैं। और ये सबको सीखना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं ना तो आप हमेशा दूसरों के भरोसे में रहेंगे और लोग बढ़िया बढ़िया पोस्ट बना के डालेंगे
और आप सोचेंगे मेरा कोई पोस्ट नहीं है, हम कैसे डालें, फेसबुक में देखते होंगे। जैसे देखिए मैंने इसको अपने गैलरी से उठा के इसको डाल दिया, ये सब आप यहाँ पे आसानी से। अब ये डिजाइन करते समय आपको अब देखना है कि कितना सुंदर आप बना सकते हैं, कैसा कलर कॉम्बिनेशन क्या रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर डिजाइन बने। जैसे ये इस बैकग्राउंड में, चलिए ठीक है इसको रहने देते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ जैसा इंसर्ट करने के लिए दिखाते हैं, जैसे प्लस साइन, इसमें चाहे तो आप ऑडियो भी इनपुट लगा सकते हैं, कोई गाना आप चाहे तो आप डाल सकते हैं ब्राउज करके, कोई छोटा सा जैसे जैसे यहाँ पे जो पहले से है उसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर अपने से कोई गाना बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पिक्चर फिर फोटो नहीं रहेगा, वो इमेज मतलब वीडियो बन जाएगा आपका, वो पिक्चर नहीं बन के फिर वीडियो बनेगा, तो वो सभी आप छोटा छोटा वीडियो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जैसे अभी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, जैसे अभी हम होली वाला दिखाए थे उसमें से ऊपर से कलर जैसा गिर रहा था, तो वो सब चीज ऑप्शन देखिए यहाँ पे सारा है। जैसे मान लीजिए आपको किस नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए थोड़ा सा जैसे इस तरह का कोई टूल आप यूज करते हैं कि इसके नीचे आप नाम लिखें तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आए टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इतना सारा फॉन्ट का ऑप्शन है। कोई भी चीज लिखने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है टेक्स्ट में जानना है। तो टेक्स्ट में देखिए इतना सारा तरह का डिजाइन है, ऑलरेडी बना हुआ डिजाइन, सिंपल आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह का भी डिजाइन में जो भी आप लेंगे इस तरह का भी डिजाइन आप में लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये ह्यूज सेल लिखा हुआ है, तो ह्यूज का अलग है सेल का नीचे है, मतलब दो लाइन में ऐसा आप कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे सपोज इसको यूज करके दिखाते हैं फ्री वाला, जैसे माइक्रो बूस्टर अचीवर है, इसको ऐसे ना लिख के हम इस तरह का डिजाइन में लिखते हैं, ऊपर में माइक्रो बूस्टर ऊपर लिख दिए। इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऊपर में फॉन्ट बहुत बड़ा है, यहाँ पे फॉन्ट आके ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, जगह छोटा हो जा रहा है थोड़ा, नहीं उसको इस छोटा कर दीजिए। माइक्रो स्पेस डी डबल बूस्टर, उसका फॉन्ट छोटा कर दीजिए। अच्छा दो लाइन ठीक, हाँ चले दो लाइन में। अब ये अपने ऊपर है कितना अच्छा सजा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ACHIEVER अचीवर, इसका फॉन्ट नीचे वाले को इसको कलर कर दीजिए। अब इसमें कौन सा कलर भरना है ये सब भी आप यहाँ पे ब्लैक दीजिए ना, ब्लैक आ जाएगा। अच्छा नहीं यार लगेगा इस तरह से, ये फॉन्ट ही वैसा है, मतलब आउटलाइन ही सिर्फ दिखेगा इसमें। अगर आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा था आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दीजिए, जैसे ये नॉर डाला हुआ है ये फॉन्ट दे दीजिए। चलिए इस तरह से, इस तरह से आप ये और इसमें हाँ एक चीज और वो लगाते हैं, जैसे देखिए ये वाला, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ आप ये सब डिजाइन डाल सकते हैं। ये ऊपर में अचीवर वाला दीजिए ना, वो गिर रहा है फुहारा अचीवर में। हाँ वो कहाँ से आता है, वो हम रिसेंटली यूज किए इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज करेगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इलस्ट्रेटर। ये तो ऊपर दिख रहा है, ये सब फ्लावर वगैरह है, फ्लावर लगाना नहीं ऊपर ऊपर में जो फुहारा गिर रहा है ना वो अचीवर, मतलब उसको बरसात हो रहा है थोड़ा। नहीं ये नहीं है, वो है पीछे है वो। सर्च भी मार सकते हैं उसमें। अच्छा हाँ सर्च मारी, ये आपका एक
थोड़ा ये क्या है, सर्च क्लिप लिख दीजिएगा ना तो हाँ इसे भी चलेगा, इस टाइप का सर्च क्लिपिंग में भी आएगा उसको बैक। हाँ ये वाला नहीं, इसको उसमें सर्च क्लिप वीडियो लिख दीजिए, स्टिकर में था उसमें। हाँ ये स्टिकर में है, देखिए वो एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे फिर से दिखाते हैं आपको। ये आपका प्लस साइन करते हैं यहाँ पे, देखिए एलिमेंट है, टेक्स्ट है, स्टिकर है, तो आपको यहाँ स्टिकर वाले में जाना है, स्टिकर में आपको मिलेगा इस तरह से कुछ एनिमेटेड वीडियोज आपको यहाँ पे मिले। लोड हो रहा है, स्लो लोड हो रहा है। देखिए जैसे ये सामने कि ये कुछ गोल गोल सा हो रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है, इस तरह का कुछ डिजाइन। ये देखिए जैसे फूलों का बर्स, ये कलर बरसात वाला, इसको लगा ये देखिए इस तरह से। इसको सेव कर दीजिए और उसको तो इस तरह से और भी जैसे यहाँ पे नाम लिखना है इसके पीछे, इसको छोटा करके यहाँ पे जैसे ये लगाया था, इस पे नाम लिखना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट कोई भी डिजाइन बनाकर आप या तो सिंपल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सर का नाम लिख दे, पारस खाली लिखें, चल चल लिखें, अब इसका भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कलर वगैरह भी आ जाएगा। ये अच्छा नहीं लग रहा तो कोई कलर आप डाल दीजिए, ब्लू कलर। तो इस तरह से आप कलर डिजाइन किए, देखिए चिपमेंट वाला को इस तरह से आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अब इसको सेव करना है, अब इसको देखिए यहाँ पे सबसे टॉप में देखिए ऊपर में ऑप्शन है इसको करने का, इसको डाउनलोड वीडियो, क्योंकि ये देखिए जब इसमें आप कुछ एनिमेशन डाल देते हैं ना, जैसे आप ये ऊपर से गिर रहा है तो ये एनिमेशन हो गया, ये पिक्चर नहीं बनेगा। अगर आप इसको पिक्चर में करेंगे तो ये गिरता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, तो इसको आपको वीडियो फॉर्मेट में सेव करना होगा। अगर देखिए यहाँ पे नीचे नहीं तो सेव एज इमेज आ रहा है, अगर आप इमेज के रूप में रखना चाहते हैं तो इमेज कर लीजिए। इसको कहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ पे इसमें देखिए एक शेयर लिंक भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बोला है सर हमसे नहीं बन रहा है इसको आप थोड़ा बना दीजिए, तो जैसे अब मान लीजिए इसमें और भी कुछ अच्छा डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिंक को शेयर कर सकते हैं, किसी को ये कैनवा का लिंक शेयर कर दीजिए तो उसका अपना में खुलेगा और इतना सारा बना बनाया उसको दिखेगा, उसमें आप कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एज ए वीडियो इसको सेव करते हैं, ये MP4 में सेव हो रहा है, इसको डाउनलोड करते हैं तो ये थोड़ा देर समय लेगा, ये बना के आपका गैलरी में सेव कर देगा। ये जो गैलरी में सेव होता है इसमें देखिए गैलरी के अंदर आप कैनवा फोल्डर बनता है, उसी फोल्डर के अंदर आपका सेव होगा। ये भी अपने से बहुत सारे लोग खुद से डिजाइन कर सकते हैं, ये सीखने का जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा, जितने बार उसको ज्यादा कीजिएगा वो आप सुंदर सुंदर और इसमें बहुत सारा चीज आप डिजाइन खुद से कर सकते हैं तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद इसको आप जहां शेयर करना चाहते हैं, देखिए सारा ऑप्शन आ गया कि फेसबुक में या फिर कहीं टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में कहां सेव करना चाहते हैं उसको आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, जैसे हम इसको पारस सर को इसमें भेज देते हैं, इनके व्हाट्सएप में भेज दिए। देखिए ये जो नीचे लिंक आ रहा है ना, इस लिंक के थ्रू चाहे तो ये अपने आप फिर से एडिट कर सकते हैं, और अगर लिंक नहीं देना है तो उसको हटा के भेज सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे देखिए इनका वीडियो ये बनी, ये 5 सेकंड का वीडियो आपका, जैसे मेरे पास आ भी गया व्हाट्सएप में, इनके व्हाट्सएप में चला गया। ठीक है, तो इसको आप जैसे आप शेयर करना चाहते हैं फेसबुक में डालिए, अगर देखिए आप गैलरी में जाकर देखेंगे तो ये गैलरी में आपको मिल भी जाएगा।
लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे देखिए कैनवा, कैनवा फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर आपको जितना कैनवा का डिजाइन किया हुआ है सब आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कैनवा का जितना भी डिजाइन हमने अब तक किया है वो सब यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए ये डिजाइन हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी जैसे छोटा सा GIF एनिमेटेड हो गया, इसी तरह से फेसबुक पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर आप अपना व्हाट्सएप में स्टेटस कुछ इस तरह से एनिमेटेड स्टेटस बना सकते हैं, इसी को आप स्टेटस में लगा सकते हैं। तो जो भी अचीवमेंट होगा उसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा भी बनाया जा सकता है इसको कि जैसे एक माइक्रो अचीवर लिख दिए और बारी बारी से सबका फोटो आ रहा है, एक का फोटो आया, नाम लिखा हुआ, फिर दूसरा का फोटो आया, फिर तीसरे का फोटो आया, वो एक एनिमेटेड GIF जैसा भी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा माइक्रो अचीवर और एक एक करके बारी बारी से सबका फोटो आ रहा है, वो भी आप यहाँ पे सुंदर लगेगा। वो बता दीजिए कैसे आएगा उन लोग को, जैसे एक बार फोटो आया फिर दूसरे का फोटो आएगा। देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं इसमें जैसे वीडियो क्लिप टाइप का रहेगा, जैसे एक बार फोटो आया फिर उसका नाम लिखा है, फिर दूसरे का फोटो आया फिर नाम लिखा है, इस टाइप का चेंज जो आप देखे होंगे टक 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 जाते रहेगा। तो इस तरह से आपका ये कर सकते हैं आराम से, और आप जो है आराम से जो है लोगों का जितना अचीवर है 4-5 जितना उसको एक ही में मेंशन करके आप दिखा सकते हैं। खाली उसको एडिटिंग करने की जरूरत है आपको, उसको सर एक बार करके देख लेंगे उसके बाद दिखाएंगे सर। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा होता है हम उसको करके देख लेंगे उसके बाद दिखाएंगे, जैसे ये एनिमेटेड सोशल मीडिया या फिर वीडियो के थ्रू। अगले अगले बार इसको हम लोग अगले बार उसको करेंगे सर, प्रेजेंटेशन के लिए भी उसको कर सकते हैं, ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा सर। हाँ तो हमारे बीच में बहुत सारे साथी जो है इस बात को आज थोड़ा समझ गए होंगे, और इस चीज पे आप ट्राई मारेंगे तो ज्यादातर आप जो है सीख पाएंगे। अगर किसी भी चीज को लगातार आप उसको सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसको जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, जब तक उस पर आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज को।